हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हमने शेयर एंड डिविडेंड्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़े, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो हम शेयर्स जिस रेट पे हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू है, जो रेट पे कंपनी ने स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू रखी थी शेयर्स की वो नॉमिनल वैल्यू होती है, और इसके तीन कंडीशन दिए हुए थे, एट पार, अबव पार, बिलो पार। देखिए, अगर आपको याद नहीं है, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एट पार का मतलब होता है कि जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाती है। और एक सेकेंड टर्म था अबव पार और एट अ प्रीमियम। मीन्स इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। एक थर्ड पार्ट था इसमें बिलो पार, जिसमें क्या होता है हमें डिस्काउंट रेट पे शेयर मिलते हैं, उसमें मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका मतलब कि वो कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर है उसका शेयर का दाम कम हो गया है और कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है। हमने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। ये बहुत ही आसान है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और डिविडेंड हमेशा एक परसेंटेज वैल्यू में डिस्क्राइब किया जाता है, और कंपनी अपना डिविडेंड का वैल्यू खुद ही देती है कि उसको कितना परसेंट शेयर होल्डर को कमीशन देना है। और उसमें डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है जो कंपनी ने अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू रखी थी। इसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस समय जल्दी से समझ सकते हैं कि जो हमने कंपनी शेयर खरीदने में जो हमने पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं। उसके बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया मनी, अगर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, तो हम सिंपली नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट इन टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने सम इन्वेस्ट किया है। अगर हमें पता है कि हमने कितना पैसा लगा दिया है और एक शेयर की वैल्यू पता है, तो हमने कितना शेयर खरीदा, जैसे आपने मान लीजिए 200 रुपये के शेयर खरीद लिया और एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो आपने कितना शेयर खरीदा, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200/20, तो आपका 10 शेयर्स आपने खरीदा है। और इसको नंबर ऑफ शेयर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ऑन डिविडेंड ऑन वन शेयर। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तो ये आपको क्विकली रिकॉल करा रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। एक थर्ड फार्मूला होता है, टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। मैं अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है, आपको रेट ऑफ़ डिविडेंड पता है कि कंपनी कितना रेट ऑफ़ डिविडेंड दे रही है, और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम टोटल डिविडेंड हमको कितना कंपनी ने दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चौथा फार्मूला होता है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। और इसको निकालने के लिए देखते हैं, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, तो सीधे इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी इनकम हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर 100% आपका लग जाता है। फिर फॉर अ शेयर होल्डर, इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो ये आपके सिंपल 5 फॉर्मूले हैं जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। फिर ये इसके बाद हमने थर्ड ए एक्सरसाइज की थी, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं, आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब इसके हम एक्सरसाइज थर्ड बी लगाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन बायस 420 रुपीज़ शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़ ईच एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, सेकेंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स परसेंट, एंड थर्ड वन इज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमको दी हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं जो कि हैं 400, हमें नॉमिनल वैल्यू पता है कितनी है ₹20, मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे कि कितनी है, और रेट ऑफ डिविडेंड भी हमें दिया हुआ है जो है 12%। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू कितने हैं 400, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू कितने हैं 20 रुपीज़,
₹20। तो फिर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, वन शेयर ₹20 प्लस 4, क्योंकि क्या दिया हुआ है, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। ठीक है, तो ₹20 और क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 12%। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ मैन, बाय द मैन, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, भूल गए फॉर्मूला, देखिए लास्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400, मार्केट वैल्यू कितनी है, 24, तो कैलकुलेट करें कितना आएगा, 24 4 96 00। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन इज ₹9,600। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, जब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, सेकंड पार्ट क्या है, हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, क्या होती है टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या हुई, रुपीस कितना, नहीं पता, यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, ये ऊपर कैलकुलेट नहीं किया है कि कितना वैल्यू उसने पैसा खर्च किया है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू 400 × 20 कितना होगा, 8,000, वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, 8,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना आएगा, 8,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 12/100, तो 8 × 12 15 × 12 12 8 96 0। तो टोटल इनकम कितनी हुई उसकी, टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹960। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, याद है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो इनकम कितनी हुई है, 960, इन्वेस्टमेंट कितना किया, कैलकुलेट किया आपने, यहाँ पे किया था ना कैलकुलेट, 9,600 इनटू 100, ये कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 10% रिटर्न। ठीक है, तो परसेंटेज रिटर्न इक्वल टू 10%, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक सॉल्व कर लिया है आज। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लगाएंगे, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम लोग और वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।